लास्ट टाइम हम लोगों ने रिकवंश बनाया था लपेट के। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। आज जिस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जैसा वीडियो में दिखा है वैसे लपेट के काट लेना है सबसे पहले आपके पास जितनी भी पत्तियाँ हैं। और एक और चीज़, इस तरीके की खास बात ये है कि इसमें आपको पत्तियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें हमें थोड़ी पत्तियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती है। यहाँ पे हमने दो चीज़ें इसमें ऐड की है। पहला तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट है और दूसरा जो है ये है चने की दाल, हमने भिगो के रखी हुई थी उसको पीस लिया है। पीस के लिया है, या तो आप ये डाल लीजिए नहीं तो फिर आप बेसन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने एक चुटकी हींग, हल्दी और नमक डाला है। नमक आपके टेस्ट अनुसार, हल्दी इसमें आधी चम्मच डाली है हमने। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर आपने बेसन का यूज़ किया है तो इस केस में आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप दाल भिगो के पीस के डाल रहे हैं हमारी तरह, उस केस में आपको पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दाल अपने आप में जो पानी सूखी रहती है उसका गीलापन काफ़ी होगा इस तरीके का मिक्सचर बनाने के लिए। तो अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको आपको हाथों में लेके छोटे छोटे बॉल्स या फिर बड़े बड़े बॉल्स बनाना है ताकि इसको हम लोग बॉयल कर सकें। तो कुछ इस साइज़ का इसको सिलेंड्रिकल शेप में हमें गोल आकार देना है और उसके बाद इसे एक जाली वाली थाली पे सजा देंगे हम लोग। तो इसी तरीके से आपको सारे मिक्सचर के साथ करना है और सबको इस जाली वाले थाली पे हम लोग रख के सजा लेते हैं। अब चलते हैं गैस पे। तो यहाँ पे एक बड़े भगोने में हमने पानी गर्म होने रख दिया था, उसके ऊपर ये जाली वाली थाली रखनी है और इसके बाद इसे ढक देना है। ढक के आपको इसको हाई फ्लेम पे रख देना है। अब थोड़ी देर के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पक गया है कि नहीं पक गया है इसका पता करने के लिए आप किसी भी चीज़ से इसको छेदो, और अगर वो चिपक नहीं रहा होगा तो इसका मतलब है ये पक गया है। वैसे तो ये हमारे यहाँ 20 मिनट में पूरी तरीके से पक चुका था, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्लेम ऑफ योर गैस कि वो कितना टाइम लेता है पकने में। तो थोड़ी थोड़ी देर पर उसे चेक करते रहिएगा। जब वो ठंडा हो जाए, बढ़िया तरीके से पक के जब वो ठंडा हो जाए तो उसे निकाल के हमें कुछ इस तरीके से राउंड राउंड शेप में काट लेना है। अब फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा तब इसको आपको डालना है और फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई पे ही रखना है ताकि ये चिपके नहीं। थोड़ी देर के बाद ये पलटने योग्य हो जाएगा तो इसको आप पलट सकते हो। दूसरे साइड से भी जब ये पक जाए तो निकाल लीजिए। हो गया तैयार, ये खाने के लिए रेडी है पूरी तरीके से। चावल दाल के साथ बहुत बेहतरीन लगता है, रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, पराठे के साथ और मज़ा आएगा। क्या बोल रहे हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो के एंड पे तो भाई यूट्यूबर्स का राज होता है, जो उन्हें मन करे तो उन्हें बोलो, कौन नहीं सुन रहा है। लो दर्शन कर लीजिए, ऐसा कुछ ये दिखेगा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, हो गया, ठीक है जी, बाय बाय।